Now dear, integration by method, integration हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ना है integration by method of substitution। तो पूछोगे सर कितने method से integration पढ़ना है, तो integration को बनाने के चार method हैं। कितने method हैं जी? चार। तो पहले हम method of integration है जिसको हम लोग types of integration कहते हैं, मेथड ही लिख दीजिए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखिए क्या है, चार प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का टाइप पढ़े हैं ना, डिफरेंशिएशन की जब शुरुआत हुई पहले डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल फंक्शन पढ़े, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होगा। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन शुरू किए, मतलब यू प्लस भी होगा तो क्या करेंगे, यू माइनस भी होगा तो क्या करेंगे, यू इनटू भी होगा तो क्या करेंगे, यू बाय भी क्या करेंगे। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, जैसे हम लोगों ने अध्ययन किया। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन के भी मेथड्स क्या है जी? चार मेथड से पढ़ना है। पहला है हम लोग का इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी होता है इसका रूपांतरण विधि द्वारा समाकलन। क्या होता है जी? रूपांतरण विधि द्वारा समाकलन। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन। हम सबको बारी बारी से भी समझाएंगे, नाम सबका चारों का लिख दे रहे हैं पहले। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तीसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या जी? पार्शियल फ्रैक्शन, PARTIAL, आंशिक भिन्न विधि द्वारा समाकलन। लास्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन के सवालों को मारने के लिए चार प्रकार के औजार हैं हमारे पास, 1 2 3 8 4। इंटीग्रेशन का सवाल आएगा तो वो सवाल नहीं बोलेगा कि हमको इस विधि से बनाइए। दुश्मन आपके सामने खड़ा होगा थोड़े बोलेगा कि हमको कहाँ से मारिए, चप्पल से मारिए, रिवाल्वर चलाइए कि लाठी से मारिए। आपको दुश्मन के कैपेबिलिटी को पहचान कर, उसके क्षमता को पहचान कर आपको अपना औजार चलाना है। अब सामने गोतिया से लड़ाई बढ़ जाएगा तो परमाणु को तोड़ फेंक देंगे। वहां जिस प्रकार के दुश्मन सामने हैं, किसी इंसान को मारने के लिए ही परमाणु बम बनाया गया है, परमाणु बम हाथी को मारने के लिए बनाया गया है। जिस आदमी को सीधे दबा देने से मौत हो जाए, हो सकती है, उसी के लिए जितना भी मोदी जी कौन आजकल लाए हैं, इस पर बड़ी हल्ला हुआ कि इसमें घोटाला हुआ है, कौन अस्त्र आया क्या है, जो भी आया, जितना पर मैंने सेटेलाइट बन रहा है, जितना भी युद्धपोत बन रहे हैं, जितना पनडुब्बी बन रही है, जितना भी विक्रांत वगैरह, जितना है INS है, सब उसी दुश्मन को मारने के लिए। क्यों है? क्योंकि जब दूसरा देश से लड़ाई होने लगेगा तो हम लोग जान रहे हैं कि दबाने से मर जाएगा लोग, तो ऐसे नहीं ना कहेंगे पाकिस्तान वाला आपको दबाना है, तो उसके लिए परमाणु बम बना के दूर ही रहेगा तो मार देंगे उस पर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को समझ करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो कोई सवाल मिले तो कहे कि वाई बराबर एक्स टू दी पावर एक्स है, सवाल तो बोल नहीं रहा है कैसे डिफरेंशिएशन कीजिए,
क्या लगाइएगा, कौन मेथड से बनाएगा इसको, किस मेथड से इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, किस क्या लग ली दोनों तरफ क्या लीजिएगा, कैसे डिफरेंशिएशन इसका होगा, लॉग लेते हैं क्योंकि ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल पढ़ लिए हैं आप। लेकिन अगर x के पावर x की जगह पर केवल x के पावर n होता तो सिंपल हो जाता है, x के पावर n बढ़ जाता। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन चूंकि आप बना चुके हैं तो आप जान रहे हैं कि x टू दी पावर x है तो मतलब लॉग लेना पड़ेगा, दुश्मन ऐसे नहीं बनाएगा, सिंपल नहीं है। लेकिन अगर y इक्वल टू x टू दी पावर n है डायरेक्ट x टू दी पावर n पर इसको ब्रेक करते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन को जो आप देख लेंगे इंटीग्रेशन का तो आपको पता चल जाएगा कि दुश्मन को किस तरह से आप उतार रहा है, उस पर भी आप चला दोगे तो खैर दूर दूर कहने के दूर हो जाएगा वो, बात समझ आ रहा है। अब देखिएगा चारों का थोड़ा थोड़ा हम आइडिया दे देते हैं। पहला जो आप पढ़ चुके इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप पढ़ चुके, अब जाने दीजिए। जैसे देखिएगा इसको है कि रूप में इसका अंतर करके, रूप में अंतर करने का मतलब हुआ जैसे दो प्रकार की चीजें होती है, जैसे रसगुल्ला में डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे कोई रूप में उसका अंतर नहीं करना होगा हमको, लेकिन अगर आपको लौका मिल जाए तो कैसे करोगे, उसको रूप में अंतर करोगे, काटोगे छीलोगे सब्जी बनाओगे तो खाओगे, डायरेक्ट जिस रूप में वो पैदा होता है उस रूप में इस्तेमाल कर दीजिएगा। जैसे देखिएगा आपको दो तरह के सवाल अभी मिले, एक मिला मान लीजिए आपको कोई कहा कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कीजिए, डायरेक्ट हो गया e टू दी पावर x प्लस के, ठीक। लेकिन अभी देखिए तुरंत मिला था आपको, मिला था sec स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, क्या किए इसको आप, इसका रूप में अंतर किया जैसे इसके पिछले चैप्टर में कैसे किए, इस रूप बोले कि है प्रभु इस रूप में आपसे हमको डर लग रहा है, जरा साधारण रूप में आइए, शंकर भगवान और अपने ओरिजिनल रूप में चले गए तो बोला गया ना कि भाई इतना सांप बीच लटका हुआ है ऐसा ना पर बाहू बन के आए हैं तो सब लोग को डर लग रहा है, ओरिजिनल रूप में आइए थोड़ा सा बढ़िया रूप में, इनको बढ़िया रूप में ले आया, क्या किए थे हम लोग 1/cos² इसको कर दिए 1/sin² इसको sin² / cos² 10² किए और 10² इसको फिर रूप में अंतर किए, क्या किए sec² x - 1 अलग अलग करके sec² इसका डायनेस हो गया बना दिए। ये तो हम लोग पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का समझ लो। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है हम बता दें, प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है कि एक चीज की जगह पर दूसरे चीज को प्रतिस्थापित करके तब हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगा है, अब पॉकेट में 500 का गड्डी है, 500 गड्डी पर अपन चाटिएगा तो पेट भर जाएगा, नहीं क्या करते हैं हम लोग इस नोट को प्रतिस्थापित करते हैं होटल में या दुकान में, वहां से खाने वाला सामान लेते हैं और हम लोग काम चला लेते हैं, पेट भर यही करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हम लोग को दिक्कत करेगा उसके जगह पर कुछ दूसरा चीज रखेंगे और उसको फिर क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। तीसरा हम लोग अब जैसे जैसे बारी बारी पढ़ेंगे हम लोग उसे बताएंगे, तीसरा है आंशिक भिन्न द्वारा जब हम लोग इसमें घुसने के तो बताएंगे, चौथा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब इसमें हम लोग प्रवेश करेंगे तो बताएंगे कि इसको कैसे होता है, ओके। तो पहले आइए हम शुरू करते हैं डियर दूसरा जो एक्सरसाइज 7.2 हमारा है, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ओके। आप इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। नाउ डियर एक्सरसाइज 7.2 किस मेथड से हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग को कुछ प्रतिस्थापित करना होगा, मतलब उसके जगह पर बदलना होगा, कुछ मानना होगा, ठीक है। जैसे अभी इतने बच्चे को हम एक मानकर पढ़ा रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, लेकिन सबको हम एक मानकर पढ़ा रहे हैं, सबको अलग अलग तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसमें जो मिलता है पहला, जैसे हम मुझे क्वेश्चन लिखने दीजिए, लेट आई बल टू क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x / 1 + x². अब इसमें किसको प्रतिस्थापित करें एक बार जानिएगा,
जिसको भी प्रतिस्थापित कीजिएगा, मतलब जिसको आप कुछ मानिएगा अपना के जगह पर, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी कुछ भी मान लीजिए, हम लोग यहाँ टी मानते हैं, क्या मानते हैं, टी। मानने के जस्ट बाद उसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन करने जब कीजिएगा तो बाकी चीज़ें आना चाहिए, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो ऊपर में 2x है, नीचे में 1+x² है। तो आप सोचिए 2x को डिफ्रेंसिएशन करने पर इतना आएगा कि नीचे वाला को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब 2x आएगा, नीचे वाला करेंगे तब 2x आएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर क्या होगा 2x। जिसको डिफ्रेंसिएशन करने से बाकी आ जाए हम लोग टी उसी को मानते हैं। बात में आ रहा है, तो मान लीजिए लेट 1+x² = t, ठीक। आप चूंकि पहले सब x में था, देखो x यहाँ तो यहाँ dx, अब t माने तो टोटल t में होना चाहिए, dx है वो भी dt में होना चाहिए, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो टोटल मैथ वाले हैं, तभी तो काम चल रहा है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ाते तो टोटल केमिस्ट्री वाले होते। तो अब इस टोटल को हम लोग को टी में बदलना है, कैसे करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तुरंत, मतलब जैसे टी मानिएगा उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा जी, तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखिएगा डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 बिकॉज 1 इज कांस्टेंट क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, हो जाएगा डीटी बाय डीएक्स, जितना ये सब माने हैं ना इसको इस पे रखेंगे, इंटीग्रेशन तो हमको इसका ना करना है, 2x into dx का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, dt by t, 1+x² को t मान लिए, dt by dt को ऐसे लिख सकते हो, 1/t into dt लिख सकते हैं। अब आप लोग याद कीजिए, याद आती है कि नहीं आती है, कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, लेते हैं log t या log mod प्लस के log mod t, t का मान फिर से डाल दीजिए, 1+x² आइए देखिए लगातार, पहले दो चीज को देखना है, दो चीजें दी हुई रहेंगी, किसको t माने ये आपको चूज करना है सबसे बड़ा काम। ओके, अब सेकंड प्रॉब्लम देखिएगा, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x। अब देखिए यहाँ पे दो चीज, पावर पर ध्यान मत देना, बाल कितना बड़ा है उससे क्या लेना है, थोड़ा बाल ज्यादा बड़ा है ज्यादा दिमाग होगा, थोड़ा क्योंकि ज्यादा दिमाग होने चाहिए था उस समय, देखेंगे दो फंक्शन मेरे पास, एक है log x है, क्या है x, x नहीं है ये 1/x है, नीचे में x है, तब x को अगर t मानिएगा तो x का तो 1 हो जाता है, लेकिन log x को मानिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सारा इंटीग्रेशन का राज जो है डिफरेंशिएशन में छिपा हुआ है, डिफरेंशिएशन को आप इतना प्रैक्टिस कर दो, इतना प्रैक्टिस कर दो, जैसे किसान खेत को इतना बार जोत देता है कि सब घास उग जाता है, इसके बाद उसको पैदा होता है, तो आपको पैदा होता है, आपको बाबू जोतेगा तो बाबू को फायदा होगा, ककड़ा कर जो 10-20 बार बना दो डिफरेंशिएशन को, तब जाकर के इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। किसको मानेंगे टी हम लोग? लॉग एस। क्यों मानेंगे? क्योंकि लॉग एस को मानने के बाद बाकी वाला हमारा आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? आराम से ले लीजिए जी, लॉग एस बराबर टी, और टी माने गए तक पश्चात तुरंत बाद डिफरेंशिएट करना, रुकना मत, करना करें डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जोन बाय एक्स, ठीक है, डीटी बाय डीएक्स। ओके, डीएक्स को भेज दीजिए उधर, डीएक्स मूल्यमान कितना हो जाएगा, डीएक्स बाय एक्स बराबर कितना आ गया,
देखिए dx by x, dx by x है कि नहीं था? है सोनू, सोनू की सोनी, सोनू देखो नू और नी में कितना अंतर है। I equal to log x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे जी t, तो यहाँ t का क्या हो गया square। अगर मान लो परीक्षा में बाईस से पूछ देता तो डर जाते आप, चलो ये तू बताया है बाईस आ गया नहीं, बाईस का करते हम, बाईस करता हम, बाईस करके बना दे रहे हैं इसको ताकि आपको डर खत्म हो जाए। 22 नहीं 222 हो जाता तो डरने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। 222 लिखते और क्या लिखते, dx y x का मान कितना आया dt, अभी हो गया x के पावर n, x के पावर n का रूल पढ़े हैं हम, पढ़े थे फ्रैक्शन ऑफ x की पावर n, मैं यहां पर लिख रहा हूं, बोलो बाबू x n + 1 हां यस नाइस, x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 लाते हैं मान क्या से, बहुत अच्छी बात। तो x के पावर n प्लस 1 222 प्लस 1 कितना हो जाएगा 223, अगर मान लीजिए 2 रहता था 2 प्लस 1 होता 3 होता, तो कितना चढ़ा हुआ है। तो बोलना कि बाबू पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा आपको t to the power 223 divided by 223 plus k, ठीक है, कितना है log x, answers the problem, अब इसको नोट करें आप, दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, 3 है I equal to integration of 1 divided by x plus x into log x, थोड़ा उलझी उलझी सी है इनकी बातें, जिसको करना है वो इसी में है, अब करने के बाद जो आएगा वो भी उसी में है, अलग करने पड़ेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कॉमन आ रहा है, वन प्लस ऐसे तो बहुत तरह की चीजें इसमें है, लेकिन हमको तो साफ दो चीजें दिखाई दे रही है, एक है 1 by x, ठीक, और एक है 1 plus log x। तो 1 by x को तो मानेंगे नहीं क्योंकि 1 by x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 by x स्क्वायर, तो बच रहा है 1 plus log x, इसको t मान लोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और log x हो जाएगा 1 by x। आपको चूज करना है, प्रकार से पैंट शर्ट चूज किए ना, एक दुकान में कितना दिखाया होगा, पटक दिया होगा पूरा, लेकिन जैसे पूरा दुनिया खूबसूरत है स्वेटर इनको लगा, यही का खरीदे आपको लाल कलर का लगा था, आपको कहते हमको ऐसा लगा होगा हम कहते, तो आपको यहाँ चूज करना है आराम से लेके, मतलब मान लीजिए 1 प्लस लॉग एक्स टी, डिफरेंशिएट करेंगे जे भी टी मानो तुरंत डिफरेंशिएट करना ठीक है, व्हेन यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 लॉग एक्स का 1 इक्वल टू dt / dx, dx कहां गया ऊपर, तो क्या dx / x, और dx / x, dx / x हमारे पास में है, हम खोज रहे थे 17 सालों से 17 सालों में, तो हो ही गया होगा आप लोगों को, नहीं हुआ होगा 17 सालों के बाद पहली मुलाकात हुई है इनसे, प्रणाम प्रणाम किए इनको कीजिए, यही आपको भविष्य बनाएंगे, देखना है डी एक्स वाई एक्स क्या रख देंगे डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स क्या रखोगे, फिर तो वहीं पहुंच गए जी, इनसे तो कई बार मुलाकात हो चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x जो log x या log mod x, ओके कैसा लग रहा है जीवन जी, अच्छा लग रहा है, t या mod t ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, t का मान
आंसर आंसर एनी प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम है नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 4 I will do science into sine cos. Sine cos. अब देखिए यहां पर sine है into sine cos है। अगर sine को t मानेंगे यार अपने सामान को किसी दूसरे को दीजिएगा आप हमारे इसको मानिए टी हो जाएगा साइन टी हो जाएगा साइन टी का इंटरेस्ट जानते हैं आप तो हम कॉसेक्स को टी मान रहे हैं किसको मान रहे हैं जी देखिए कॉसेक्स को जब टी मानेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अब हम बार बार नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हर डिफरेंशिएटेड लिख देंगे हम समझ आना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है कॉस का डिफरेंशिएशन हां इसी दैट टाइप बोलो ई का डीटी बाय यस तो बड़ी पिटाई हो रही है आज सब सुबह सुबह सूचना मिला है कि नहीं मिला है ऊपर से नीचे से हो रहा है आगे देखिए चल गया इधर तो गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस उधर भेज दिया माइनस डी टी देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख दिया देखिएगा ध्यान से इधर उधर भैया माइनस डी टी लिखेंगे इसको ले दीजिए साइन कॉस क्या मान लिया हो कॉस साइन टी साइन कॉस क्या माने हैं और साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया है इंटू माइनस डी टी माइनस को बाहर कर दीजिए साइन टी डी टी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस कॉस टी प्लस के टी का वैल्यू डाल दीजिए टी का वैल्यू कितना है नॉट श्योर एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा पाइप आप बना लीजिए दिखा देते हैं प्रिंट दे देते हैं आपको साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस इसमें किसी को टी मान लीजिए क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है कॉस एक्स का भी माइनस साइन एक्स होता है तो कॉस में चूंकि माइनस आ जाएगा इसलिए साइन ए को मान लीजिए डिफरेंशिएशन करने आता है ना नहीं आता है सिखाया तो मैंने है ना लेटिए साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू देखते हैं किसको किसको डिफरेंशिएशन आता है तो बिटा जाओगे सुन देना तुरंत हो गए मैं भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन रुकना एक मिनट साइन एक्स का अब कुछ होगा इसमें कि बस हो गया क्या होगा अरे यार एक्स के पहले ए एड्रेस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे एक्स के कोफिशिएंट से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है कितना बात बताएं याद रखना आईडी क्या है तो हम डीएम है तो मुझे क्या आईडी है हम डीएम ऐसे याद रखो मैंने इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई बस मेरा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट में कर रहे हैं मैंने मल्टीप्लाई करके कौन सा गुणा कर दिया डी टी बाई डी एक्स को उधर भेजोगे तो हमको चाहिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स एक भेजना पड़ेगा कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई ए देखना छोटू हो गया जी ये छोटू हो गया देखना कैसे हो गया साइन एक्स प्लस बी क्या मान लियो
भजवा रहा है आपको। साइन एक्स प्लस बी को क्या मान लिए थे आप? टी। अब कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का मान कितना आ गया? डी टी बाई ए। ए को बोले आप बाहर चलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम बाहर चलो। कहा कि चलो ते हैं मालिक, तो क्या टी डी टी टी के पावर कुछ नहीं तो क्या है वन है। नॉट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज योर एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ओके तो यस सर, तो बड़ा जल्दी बोल देव जी, वन प्लस वन वन बाई टू है अलग, टी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा प्लस के। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एंड प्लीज नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ देखेंगे प्रॉब्लम नंबर सिक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कितना है जी एक्स प्लस बी, जिसमें एक ही है ये तो देखिए ये तो उसी को चूज करना है। इसे सुन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि अगर सिर्फ अंडर रूट एक्स का तो कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत था क्या? दिक्कत नहीं था। इसको हम लोग ऐसे कर देते एक्स टू दी पावर हाफ और एक्स टू दी पावर एन बाई टू, नहीं करते एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। प्रॉब्लम इसमें है किसके कारण? प्रॉब्लम है एक्स प्लस बी के कारण। एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी? ओके डिफरेंशिएट करेंगे, करने तो आता है आपको एक्स का ए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। कितना होता है? कितना होता है? होता है ए हो जाएगा बी का जीरो कॉन्स्टेंट डी टी बाई डी एक्स वर्ग है डी टी बाई। ओके आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस बी क्या मान लिया ठीक दिक्कत हो रही जल्द बोलना हो रही है क्या सर डी एक्स हो गया आपका डी टी अपॉन ए बोले भैया बाहर चलिए वन अपॉन ए रोटी तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती क्या एक्स के पावर हाफ आप कुछ परेशानी में होगा फिर आज सो के उठ के आए हो सही से बोलना है तो सदी जी की तरफ देखिए बोला जो मैं बोलना सर दोपहर में जो नौजवान सो जाएगा ये ऊपर वाले के बनाया हुआ मशीन है 24 घंटा चलाइए कम से कम जो पंप इंसान बनाता है वो लगातार 8-10 घंटा चल जा रहा है जी दोपहर में सो जाइएगा सोने के लिए हमें पढ़ने आए हैं पर गांव में रहते गांव से आप यहाँ आए हैं कितना अपने घर को सुना आपने किया है अपने गली को सुना किया है आपने अपने माँ के प्यार को वहाँ सुना है माँ सोचती हूँ मेरे बाबू क्या कर रहा है बाबू यहाँ सुनते आया है एकदम आदत उठाइए जो सोया रोया इसलिए दोपहर में सोने का आदत होगा आपको तो प्लीज इसको रिमूव कर दीजिएगा एकदम बस समझ आ रही है अब एग्जाम तक खास करके एग्जाम के बाद सो लेंगे लगातार 3 महीने रूम में से निकलने मत करना पता कर बाबू क्या कह रहे हैं बाबू सुन रहा है ठीक है रिजल्ट निकलेगा और दिन उठना कितना था फर्स्ट क्लास टाइट तो क्या टी के बाद कितना डी टी वन अपॉन एन एक्स टू दी पावर एन एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस प्लस के टी का वैल्यू रखिए कितना है हाफ प्लस वन यहाँ भी 3/2 उलट जाएगा 2/3 प्लस के 2 डिवाइड बाई 3 है इंटू एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2। मुझे उम्मीद है मैंने जो लगातार छक्का मारा एक्स लेके 6 तक
आपको पसंद आया होगा, सवाल बनाने की तरकीब को समझे होंगे आप। दो चीज अब तक सुनो, अंदर की बात क्या है, इंट्यूशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम को बनाने में, जो प्रॉब्लम में डालता है उसको टी मान लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम में डाल रहा है, क्यों डाल रहा था, क्योंकि अकेले होता तो काम हो जाता। इस चैप्टर के प्रॉब्लम को बनाने में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको टी मान लेते हैं, मतलब उसके जगह पर कोई दूसरा चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब उसके जगह पर दूसरा चीज प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से एक बड़ा धान लेके जाना मामा घर, बस मिल ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, धान को प्रतिस्थापित कर देंगे, पैसा पॉकेट में लेके जाएंगे, फिर बगल के गांव में धान खरीद करके जाकर मामा घर दे देंगे। यहाँ से टंगली चलोगे माथा पर? नहीं, तो मैंने वही किया, यहाँ दिक्कत हो रहा था, मामा घर जाना था, इसको दूसरे रूप में बदले, फिर लास्ट में मामा घर धान खरीद दे दिए, मैंने फिर डाल दिया वहाँ। दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि दो फंक्शन रहेगा, तो पसंद की जगह किसको टी माने, उसको डिफ्रेंसिएशन करें तो बाकी चीज आ जाए। दो फंक्शन जब दिया, जैसे मान लो गौर से देखिएगा, यहाँ पर टेन एक्स है, अब एक दूसरे की स्क्वायर एक्स है, दो चीजें तो पसंद हम उसी को करेंगे जिसको पसंद करें, और करें फिर दोनों अंतर है, क्योंकि पसंद करके प्लस करना है, तो उसको पसंद करें और उसको करें तो बगल वाला आ जाए। इसमें किसको पसंद करोगे, फिर से किसका रेस करोगे, पूर्वक डिफरेंशिएशन ना करना है। यस सर, टेनिस का डिफरेंशिएशन से किसका रेस होता है? यस सर, करना है तो क्या करना है, उसको प्रेम करना है, उसे दुश्मनी करना है, नहीं समझिएगा, यस सर, प्रेम ना करना है वो, मन डिफरेंशिएशन ना करना है। फिर से सुनिएगा, जब दो चीज मिले, इसके पीछे वाला वीडियो आज ही अपलोड किया, उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम इसमें डालेंगे, उसमें इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन है। इफ यू वांट टू रियली सीरियस फॉर एनडीए इंजीनियरिंग और एयरफोर्स ऑफ दिस दैट, तो इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन उसमें है, पूरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिए, ऐसा फिर से बता रहे हैं। तो पसंद उसको करेंगे जिसको करने के बाद, क्या करने के बाद बगल ला जाता है, इसमें टेनिस को टी मानिएगा तब ना, जिसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो टेनिस का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डीटी का डीटी बाय डीएक्स हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा इधर आ जाएगा। यस सर, जैसे फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ मिल जाए टेन इनवर्स एक्स, और नीचे मिल जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, अब दो को आ गया, एक वो टेन इनवर्स एक्स, एक आ गया वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसको पसंद करोगे, टेन इनवर्स एक्स को, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का ना डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। दो तरह का ट्रिक आपने बताया, पहला बताया इस चैप्टर के प्रॉब्लम को बनाने में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो प्रॉब्लम उत्पन्न करता है उसको टी मान लेते हैं, जिसे अभी सामने सवाल। दूसरा मैंने बताया कि दो फंक्शन रहेगा, जैसे अभी देखे ना, दूसरा क्वेश्चन जो आपने बनाया तो लॉग एक्स के पावर टू था बटे में एक्स था, दो फंक्शन मिला, तो टी हम किसको माने, लॉग एक्स को, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। जब दो फंक्शन मिलता है तो हम लोग टी उसी को मानते हैं जिसको डिफरेंशिएशन करें तो बाकी जो है चीज मेरे पास वो डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाए। बस में आ रहा है, ये दोनों लिख लीजिएगा, घर से बना के लाइएगा, टेन बस एक्स डिवाइड बाई वन बस स्क्वायर, टेन एक्स इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके सर, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मूड के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, थैंक यू।